हाय दोस्तों, आप सभी का मैथ बाय प्रेम सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो मैं आपके लिए मध्य कैसे निकालते हैं बहुत आसान तरीका, एक बार आप निकालना सीख गए तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। चलते वीडियो की ओर चलते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि पौधों की संख्या मतलब टोटल वहीं का मध्य निकालना है, तो अपन को जैसे कि अंतराल दे रखा है 0 से 1, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14, इनकी ये संख्या दे रखी है। तो ये संख्या को अपन कहते हैं 12 बार था, जो अपन एफ से दर्शाते हैं। और यहाँ पे टोटल जो इनका अंतराल आता है, जो उसे अपन एक्स से प्रदर्शित करते हैं, किससे कहते हैं एक्स से प्रदर्शित करते हैं, और एक्स होता है इन दोनों के बीच का अंतराल। इनके बीच में कौन सी संख्या आ रही है, एक आ रही है, तो मैंने एक लिखा। इनके बीच में संख्या कितनी आई, 3, तो 3 लिखा। इनके बीच में कितना आया, 5 लिखा। और इनके बीच में क्या आएगा, 7। और इनके बीच में क्या आएगा, 9। और इनके बीच में 11। और इनके बीच में क्या आएगा, 13। तो ये मध्य बोले तो बीच वाली संख्या आ गई। अब मैं दोनों को गुणा करूंगा तो सिग्मा एफ एक्स निकल के आएगा। तो यहाँ से क्या मुझे चाहिए हुई, सिग्मा एफ गुणा एक्स। तो एफ ही रहा, एक्स ही रहा, दोनों को मैं गुणा करके लिखता हूँ। तो मैंने दोनों को गुणा करके लिखा यहाँ पे, इस प्रकार। अब मैं यहाँ से गुणा करके लिखता हूँ, तो 1 × 1 कितना है, 1 निकल के आया भाई। 2 × 3 मैंने 6 आया, 6 यहाँ लिखा। 5 × 1 5 आया। 7 × 5 35 आया निकल के। 9 × 6 9 × 6 54 निकल के आया। और 11 × 2 11 × 2 = 22 22 निकल के आया। और 13 × 3 33 39 निकल के आया। कितना यहाँ पे 39 निकल के आया। अब यहाँ पे देखो, ये टोटल एफ एक्स है, क्या एफ सिग्मा एफ निकालूंगा। तो सिग्मा एफ में टोटल को सम को क्या भाई जोड़ना पड़ेगा, तो 1 और 2 कितने 3, 3 और 1 = 4, 4 और 5 कितने 9, 9 और 6 कितने 15, 15 और 2 17, 17 और 19 हो गया भाई 19, 18 81। एक बार फिर दोबारा जोड़ लेते अपन, 1 3 4, 4 और 5 कितने 9 हो गए, 9 और 6 15 हो गए, 15 और 2 17 हो गए, और 17 और 3 20 हो गए। तो कितने टोटल आया भाई, इतना 20 निकल के आया। तो सिग्मा एफ वन का मान कितना, सिग्मा एफ आई का मान कितना निकल गया अपने पास में, 20 निकल गया। बहुत सीधा तरीका। दूसरा क्या है, सिग्मा एफ एक्स, इनको सबको जोड़ूंगा मैं, सिग्मा एफ एक्स को जोड़ूंगा। सिग्मा एफ एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि सिग्मा एफ और एक्स को गुणा किया गया, तो मैंने क्या आया, सिग्मा एफ एक्स निकल के आया। अब यहाँ से मैं सबको जोड़ता हूँ, क्या मैंने सबको जोड़ा तो ये आया कितना निकल के आया, 162। इन सबको मैंने जोड़ा तो ये टोटल 162 निकल के आया। और अब 162 को मैंने बोला सिग्मा बराबर एक्स बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई होता है गुणा सिग्मा एफ होता है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे अपन, माध्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे अपन, माध्य निकाल लेंगे, माध्य निकल जाएगा, माध्य बोलते हो उसको। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से मैं टोटल करता हूँ, क्या टोटल किया, टोटल कितना है 162, टोटल 162 निकल के आया। अब यहाँ से मैं भाग दूंगा कितने का भाई, 2 का भाग दूंगा, मतलब टोटल f का मान कितना है, सिग्मा f का मान कितना 20, और मैंने 20 का भाग दिया। तो यहाँ देखो भाई, भाग देने के बाद में कितनी बार गया, 8 बार, और ये 1 बार, कितना है 81, 10 पॉइंट लगे, तो ये कितना जा रहा है 1। तो x बराबर कितना है यहाँ पे, 8.1 क्या निकल के आया, अपना मध्य निकल के आया। इस प्रकार से मैंने इस प्रश्न को, मैं उम्मीद करता हूँ कि माध्य आप निकालना कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे, क्योंकि इतना शानदार तरीका से आपको बताया, इससे शानदार तरीका कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपन माध्य भी निकाल सकते हैं।